आपके पास कौन आया था सबसे पहले ये कहने के लिए कि आप हमारे लिए फिल्म के लिए गाएं? ये रेडियो पे तो आती थी ना, मैं प्रोग्राम करती थी रेडियो के, तो मुझे ये अनवर कमाल पाशा साहब की पिक्चर बन रही थी गुमनाम, उसके लिए इन्होंने मुझे बुलवाया। मास्टर नाथ ने भी मुझे रेडियो पे सुना, उन्होंने कहा भाई इस लड़की को बुलाते हैं, इससे गवाते हैं। उन्होंने मुझसे, अब मज़े की बात आपको सुनाऊं, आप हैरान होंगी, इस गाने की रिहर्सल करके मैं चली गई वापस मुल्तान, और उस ज़माने में बड़ी मुश्किल से सेट मिलते थे लोगों को, शूटिंग्स का टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता था, स्टूडियोज़ कम थे। तो आप वो कहने लगे मेरा तो सेट लगा हुआ है, ये लड़की तो भाग गई मुल्तान, इसको लेकर आओ मास्टर जी, ये क्या हुआ? अब मास्टर जी आए, मुल्तान आए, कहने लगे कि भाई ये क्या हुआ, रिहर्सल हुई, फाइनल रिहर्सल हो गई और आप मुल्तान आ गई, ये जिम्मेदारी नहीं, क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा मास्टर साहब ये जो है ना, ये गाना, ये तो ठुमरी अंक का गाना है, ये तो फेल हो जाएगा। अच्छा, कहने लगे फेल और पास होने की आपको अभी से तमीज आ गई? नाराज तो बेचारे थे ही, उनको मैंने भगा दिया मुल्तान तक। कहने लगे ये तमीज आ गई आपको? मैंने कहा जी आप तो होली सोली तो आप ही हैं, लेकिन देखिए मास्टर जी मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो ठुमरी अंक का गाना है। कह लगे आपको इससे कोई मकसद, कोई मतलब नहीं है, आप चलिए और मेहरबानी करके गाइए, नहीं मैं ज़बरदस्ती ले जाऊंगा आपको। फिर आप, फिर मैं गई, और आप हैरान होंगी कि इसी गाने से उनका बहुरत था और फर्स्ट टेक मेरी ओके हुई। आप मुझे एक बात बताएं, डायरेक्ट करते थे उस जमाने में फिल्म पे रिकॉर्ड, वही मैं सोच रही हूँ, आप कह रही ना कि सेट लगा हुआ था आप चली गई थी, तो फिर इसका मतलब है कि डायरेक्ट होती है रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग होती थी, अगर एक अंतरा या एक अस्ता या कोई थोड़ा सा सुर रह गया तो फिर रीटेक करो पूरा गाना उसी तरह। अब तो एक एक बोल भी हम गा सकते हैं, एक एक मतला या कोई मख्ता या कोई एक बोल भी हम गा सकते हैं उसको, अब तो बहुत ईजी है, उस वक्त काफी डिफिकल्ट था। ये जो आपने भी जिक्र किया ना, तू लाख चलेरी गोरी थम, ये हम लोग, हम हमारे पास आपके सब गाने हैं जो हमने अभी आपके प्रोग्राम में दिखाने, इसको तो थोड़ा सा गुनगुना तो देना। पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। से मिल कर आई है बस आज से नींद पर आई है, तू पिया से मिल कर आई है बस आज से नींद पराई है, देखेगी सपने बालम के, तू लाख दलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के, तू लाख दलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। आपने हर तरह के लोगों में बैठ के गाया होगा, जहाँ पे छोटा क्राउड भी है, ज्यादा लोग भी हैं, जहाँ 20 लोग भी होंगे और जहाँ पे 40,000 लोग भी होंगे, आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस कहाँ आपको फील होता है कि सही है? भाई आप यकीन कीजिए, सच कह रही हूँ मैं आपसे, दुनिया भर में, ये मेरी आप खुश नसीबी समझ लीजिए कि हर जगह ऑडियंस अच्छी मिली। 40,000 के मजमे हम जश्न काबुल में जाया करते थे, अब तो खैर वहाँ पर हालात ही ऐसे हैं, वहाँ जाया करते तो काबुल के जो अफगान लोग हैं ना, इनको बहुत गाना सुनने का शौक, 76 तक हम लोग जाते रहे उसके बाद में। तो आप ये देखिए कि जगह जगह जब वो जश्न होता था तो बादशाह के यहाँ क्या, हर जगह यानी वो महफिलें होती थी, और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 71 गज़लें फारसी की हैं, एक से एक लाजवाब। आपने कभी वो टेलीविज़न वालों के लिए गाई? हाँ, टेलीविज़न पे भी मैंने फारसी की गज़लें गाई जी, और वहाँ तो मैं काबुल में तो जब जाती थी तो रोज़ाना गाया करती थी, 2-3 गज़लें रोज़ाना। तो एक दफ़ा एक मैं देखती थी कि मेरे प्रोग्राम में एक अफ़गान कपल ज़रूर होता था, वही होते थे सामने, तो वो एक दफ़ा उठ के मेरे पास आए, मैंने कहा देखिए मैं अक्सर आपको देखती हूँ, कहने लगे मुझे, हमें पहले आप ये बताइए
कि आप अफगानिस्तान में पैदा हुई या पाकिस्तान में? मैंने कहा जी अफगानिस्तान में तो मैं पैदा नहीं हुई। कहने लगे भाई आप हर रोज दो तीन नई गजलें सुनाती हैं पर्शियन की। मैंने कहा जी मैंने पर्शियन पढ़ी भी है और मुझे लगाव भी है, मैं समझती भी हूँ, इसलिए मेरे पास अच्छे अच्छे शायरों का कलाम है और मैं गाती हूँ। तो मैंने कहा आपके तो ये अपने ईरान से भी डेलीगेशन आया हुआ है, आप उनके, कहने लगे हम आपके प्रोग्राम में ज़्यादा आते हैं क्योंकि आप लोगों का स्टाइल हमें ज़्यादा पसंद है। आप, आपको इतना जो शौक है ये, यानी कि जाहिर है एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई लिखाई का, तो आपने छोड़ दी फिर पढ़ाई, आगे नहीं पढ़ा कभी, बस इसी में वक्त ही नहीं था इतना, एफए के बाद छोड़ दिया। नहीं कभी खलिश होती कि मैं कर लेती? खलिश बहुत होती, यानी आप ये देखें फिर मैंने ग्रेजुएशन के लिए इम्तिहान की तैयारी की, बस नहीं दे सकी इम्तिहान, इसलिए कि ये अपना टीवी मेरा ख्याल है जब तक शुरू नहीं हुआ था, लेकिन फिल्म, रेडियो, कॉन्सर्ट्स ही शुरू हो गई थी और फिर वक्त नहीं मैं दे सकती थी, जिसका मुझे अफसोस है। फिल्म कातिल, वो आपकी पहली जी, उसके एक साल बाद हम भी तो पढ़े रहो में, तो पढ़े वो फिल्म कातिल थी, सही, उसमें भी मैंने ये गाना गाया हम भी तो पढ़े रहो में, ये सबिया खानम पे पिक्चर आई हुई। अच्छा, ज्यादातर इत्तेफाक ऐसा है कि ज्यादातर मेरे गाने सबिया खानम पे पिक्चराइज हुए। मैं समझती थी, मैंने कहा ये सेमी क्लासिकल गाने हैं, हो सकता है लोग इनको पसंद ना करें, लेकिन भाई आप ये देखिए कि जब ये तू लाट चले री गोरी थम थम के मैंने गाया ना, तो ये यहाँ वो रीगल में ये पिक्चर लगी हुई थी, मैं आती थी मुल्तान से, तो मैं बुर्का पहन के वहाँ गई पिक्चर हाउस में, सच। मैंने कहा भाई अगर कोई हूट करे तो कोई ये तो ना पहचाने के मैं हूँ। तो मैंने बुर्का पहन के, जब मैंने देखी जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ ना, तो मेरा दिल धड़कना शुरू हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या होने वाला, मैंने कहा फिर भी कुछ भी हो मेरा तो बुर्का है, मुझे अगर कोई नापसंद भी करेगा तो किसी को क्या पता चलेगा, फिर भी। अब आप ये देखिए म्यूजिक शुरू होता है, मैंने ये पहला पायल में गई था छमछम के क्लैप्स, हर अंतरे पे क्लैप्स, मेरा तो दिल खुश हो गया, मैंने कहा ये तो कमाल हो गया। अच्छा मास्टर नायत हुसैन कहने लगे, मैंने कहा जी मास्टर जी ये गाना हिट नहीं होगा, वैसे ही आपने मुझे सेमी क्लासिकल से शुरू करा दिया, अभी तो मेरी इब्तिदा है। कहने लगे बीबी ये आपको नहीं पता, आप अभी बच्ची हैं। मैंने कहा अच्छा जी। क्या एज थी जब आपने ये पहली दफा प्लेबैक से? मेरी 14 साल की उम्र थी उस वक्त। अच्छा उसके एक साल बाद ये तो ये हम भी तो पढ़े राहों में रिकॉर्ड हुआ, और ये मैंने 6 महीने के बाद एक पिक्चर हाउस में देखा यही लाहौर में, और वो एक साल तक 1.5 साल तक वो पिक्चर उसी हॉल में लगी रही और वही सुनने लोग आते, वो यानी इंडिया से भी सुनने आते थे लोग और हर जगह से सुनने आते थे, और आप ये देखिए क्लैप्स होती थी बाकायदा। इस जुर्म को भी शामिल कर लो जला। हम लोग भी बहुत से गजल प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड करते हैं, और हम लोग इवनिंग्स जो होती हैं इस तरह की जिसमें हम सुनना चाहते हैं, तो मैंने एक देखा कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक बहुत बदतमीजी सी आ गई है कि बैठ के नहीं करते, बक 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 लगे होते हैं। आपको बताऊं, मैं अपने टी कॉफी सर्व नहीं होने देती अपने गाने के दौरान, मैं कहती हूँ जिसको टी कॉफी लेनी है वो ब्रेक करे, चाय वाय पिए, हम भी पिए, लेकिन मेरे गाने के दरमियान पूरी तवज्जो से सुनना पड़ेगा। मेरे सुनने वाले आज भी खुदा के फजल से जिंदा सलामत हैं, सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, लेकिन बड़े तमीज से बाकायदा और पूरे इनहमाक से सुनते हैं, ये नहीं कि वो इधर उधर। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम तो गाए चले जा रहे हैं भाई, हम कोई बिल्कुल क्या समझाया आपने, कोई बेवकूफ है हम गाए चले जा रहे हैं, हम अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग हैं सुनते ही नहीं, आप बातें करने, अगर ऐसी बातें करने का शौक था तो घर से क्यों आए। फिल्म इश्के लैला में बड़ा हिट सितारो तुम तो सो जाओ, ये हमारे पास है, ये आप थोड़ा सा गुनगुना दें फिर उसके बाद हम, जरूरी है कर, अगर करना चाहती हैं। हाँ, सुना देती हूँ। परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ,
परेशान रात सारी है, सुकूत मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है, रात सारी है। एक फिल्म रिलीज हुई थी हमीदा, जी हाँ, उसके बड़े पॉपुलर, जी जी उसके भी गाने पॉपुलर हुए। उसका एक गाना सुना देती हूँ आपको, थोड़ा सा गुनगुना के। मेरी टूट गई अंगड़ाई, मेरी टूट गई अंगड़ाई, पिया ने ऐसी आँख मिलाई, मेरी टूट गई अंगड़ाई। आँख का नशा जी, इसका जो एक और भी है वो जी, बहुत जी जी, हाँ। वो भी है, वो बहुत पॉपुलर है, वो मैं अक्सर कॉन्सर्ट्स में भी गाती हूँ। वो है, बिछवा बाजे रे हो बलम, बिछवा बाजे रे हो बलम, लागे किसी से नजरिया, हो लागे किसी से नजरिया, हाय बिछवा बाजे रे हो बलम, बिछवा बाजे रे। पंजाबी में भी एक पिक्चर में देखी, उस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें मैंने गाना ये गाया था, बहुत ये भी पॉपुलर हुआ। वह है, चन्ना तेरी याद विच, चन्ना तेरी याद विच, ओसिया पावा राता नू जगावा, हाय मैं सारी रात जागा, सारी रात जागा, हाय मैं सारी रात जागा, चन्ना तेरी याद विच, ओसिया पावा राता नू जगावा, हाय मैं सारी रात जागा। मुल्तानी काफी सुने बगैर तो नहीं जाएंगे, मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं, नहीं। साजों के साथ सुन लेते ज्यादा अच्छा लगता। आप सोच नहीं सकती इस वक्त जो आप गुनगुना रही है ना, ये बस नहीं इस... अच्छा चलिए, बहुत अच्छा, तो मेरी हौसला अफजाई हो रही है, मैं भी सुना देती हूँ थोड़ा सा। वावे सजन तड़ी बेपरवाही, हो वावे सजन तड़ी बेपरवाही, तैको असाड़ी खबर ना काई, वावे सजन तड़ी बेपरवाही, तैको असाड़ी खबर ना काई, वावे सजन तड़ी। ऐसा आपकी भी जो आपके है दश्ते तनाई, और इसी तरह दश्ते तनाई फैज साहब का, फैज साहब की इस नज्म का भी मैं आपको सुनाऊं। कराची स्टेशन पे वो होते थे एक साहब, उमर महाजर साहब, वो भी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वहाँ स्टेशन पे होते थे, तो उन्होंने डायरेक्टर थे उस ज़माने में, तो मैं गई कराची, तो उन्होंने मुझे बुलवाया, कहने लगे भाई तुम्हारे लिए मैंने एक नज़्म ढूंढी है। मैंने कहा जी किसकी, तो फैज़ साहब का कलाम तो मुझे बहुत पसंद था शुरू से, तो मैंने कहा जी किसकी, कहने लगे कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। मैंने कहा अच्छा जी। अब उन्होंने ये नज़्म मुझे सुनाई, कहने लगे इस नज़्म को इसका मतलब समझ गई। मैंने कहा जी हाँ, मतलब तो मैं समझ गई। तो कहने लगे इसका मतलब जो है, इसका मकसद, इसका मफहूम जो है, इसको तुम सुरों में ढालो और इसका सारा तासुर सुरों में आना चाहिए। अभी मेरे बस की तो बात नहीं थी। मैंने कहा अच्छा जी, मैं सोचूंगी। दूसरे दिन फिर वो बीच में तो मैं जाती थी, रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरी थी, फिर आए वो, कहने लगे हाँ भाई क्या हुआ। मैंने कहा जी समझ में नहीं आया। कहने लगे अच्छा मैं एक दो कंपोजरों को बुलाता हूँ।
उन्होंने बुलाया, तर्ज बनवाई। तर्ज बनवाने के बाद कह लगे, अच्छा भाई तुम भी सुनो, मैं भी सुनता हूँ। मैंने कहा जी अच्छा सुना। सुन के कह लगे, भाई कैसा लगा? मैंने कहा जी आप मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप बताइए। कह लगे नहीं। कह लगे इन अल्फाज को सुरों में इसकी तस्वीर बनाओ, इन अल्फाज की सुरों में तस्वीर बनाओ। तो कह लगे ये बन गई? मैंने कहा जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो कह लगे अच्छा। फिर मैंने उनसे कहा, वो दो की जब तर्जें उनको नापसंद हुई, तो मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिए, किसी पढ़े लिखे कंपोजर से बात कीजिए, उनको बुलाइए ताकि वो पूरा पूरा उसको समझे। ये हमारे पास की बात नहीं लग रही है। समझने के बाद मैंने कहा वो तो रिदम से सहारा ले रहे हैं। तो मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, किसी पढ़े लिखे को बुलाइए ताकि वो इसको समझे। समझने के बाद तो फिर उनसे, तो बेदी जहीर वो अरबी में उन्होंने एमए किया था, पढ़े लिखे आदमी थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया। उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा जी उन्होंने सुना और उनकी बातें भी सुनी, कहने लगे जी आप दो तीन रोज़ दे दीजिए मुझे। मुझे कहने लगे देखो भाई अगर आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तब भी आपको रुकना होगा और ये नज़्म रिकॉर्ड करा के जानी होगी। मैंने कहा जी किसी और से करा लीजिए। कह ले नहीं किसी और के बस का नहीं है ये। मैंने कहा अच्छा लीजिए जी, वो मेहदी जहीर साहब वो बना के लाए ये तर्ज दश्ते तन्हाई मौजूदा जो आप सुनते हैं। अब वो ये कहते थे कि जी इसको विदाउट रिदम आप गाइए। उसमें मैंने कहा जी विदाउट रिदम तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं कोई, ये रेसिटेशन होकर रह जाएगी। अगर आपको जो मैं सोच रही हूँ, अगर एक हिट आइटम बनवाना है आपको तो ये इसको रिदम ज़रूर इसका होना चाहिए। चुनाचे वो रिदम हुआ और उसके बाद जो कुछ लैंडमार्क। मैं तो कहती हूँ ये तो ऐसे तो बहुत आपके जो हैं चार पांच है, और ख़ास तौर पे ये भी जो कि मेरे ख्याल में जब एटलीस्ट मैं सुनती हूँ रोंगटे खड़े करने वाले जो वो ये ना सुना फीलिंग्स। जैसे ये दश्ते तन्हाई में, अब दश्ते तन्हाई उसमें देखिए कि कितना वक्त लगता है उसमें। अगर उसको आप जल्दी से कहेंगे तो दश्ते तन्हाई का मतलब ही मारा जाता है, उसका मकसद ही फौत हो जाता है। बिल्कुल अभी दश्ते तन्हाई में ऐ जाने जहां लरजा है तेरी आवाज के साए, तेरे होंठों के सराब दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब। अभी भी वही चीजें दिल को लोगों की लगती है कि आवाम बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो अभी भी उस सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो उनको लगता है, वरना बन रहे हैं, चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आवाम जनाब बहुत समझदार होते हैं, उनसे दाद लेनी आसान बात नहीं है। अगर आप गाना ना गा रही होती क्या करती हैं आप? भाई देखिए क्योंकि पढ़ाई लिखाई का शौक था, टीचर भी हो सकती थी, मुसव्विर भी हो सकती थी, या साइंटिस्ट भी होती। मैं हो भी सकती हूँ बिकॉज यू गॉट अ वेरी गुड। आज आप मुझे उसका भी दिमाग से ताल्लुक क्या करता है दिल करने को? अब मैं मुतमईन हूँ, बिल्कुल अपनी पूरी लाइफ से मुतमईन हूँ खुदा के फजल से। मैं ये नहीं सोचती कि ये चीज़ रह गई, ये मुझे अगर मैं कर लेती तो कैसा रहता। नहीं, जो कुछ मैंने सीखा किया, जितनी मुझे अप्रिसिएशन मिली खुदा के फजल करम से, उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ। आप यहाँ आई तशरीफ लाई, आई एम सो ऑनर्ड कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये मेरे लिए कितना बस। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप अपने फैंस को, आई लव यू टू, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने फैंस को कुछ कहना पसंद करेंगी? ये आपका कैमरा है जी, जो आपके सुनने वाले हैं। मैं अपने फैन से यही कहूंगी, मेरे जितने फैंस हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि जिस तरह वो मुझे सुनते हैं मुझे भी सुने, जो मेरे और हम असर गाने वाले हैं उनको भी सुना करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल देखिए ये बड़ा टेंशन का दौर है। इसमें बड़ा म्यूज़िक जो है वो जिस तरह का हम गाते हैं ना,
उसका सूदिंग इफेक्ट होता है, सुकून वाला, सुकून होता है उसमें, और पुरसुकून गाना सुने। और क्योंकि टेंशन का दौर है, टेंशन का गाना सुनने से टेंशन दूर नहीं होती, नहीं लेकिन है ना, लेकिन आप टेंशन में हैं, आपने कोई अच्छी सी गजल सुनी, पुरसुकून गाना आपने सुना, आप रिलैक्स फील करेंगे। मैं तो माइंड ना करें लोग, लेकिन आजकल के गाने सुन के मुझे तो गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ सही बात है, हम किसी के ऊपर इतराज नहीं करते, लेकिन होता है कुछ अजीब सी कुछ। हाँ बस वो ये होता है ना कि वैसे ही टेंशन रहती है आजकल, और फिर जब गाना सुना तो वो भी हल्ला गुल्ला शोर शराबा, वो रिलैक्स नहीं फील होता। बस यही है कि भाई आ गए चलिए, वो फैशन ही है आजकल का, चलिए जी हलो हाय किया, खाया पिया चले गए, नहीं सुकून नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। और इसके साथ ही आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ ये प्रोग्राम देखा। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक खुदा।